दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जयपुर बस द्वारा सफर करते हैं और देखते हैं जयपुर इस वीडियो के द्वारा। वैसे तो वीडियो शुरू हो ही चुका है और आप अभी देख रहे हैं अजमेरी गेट का बस स्टैंड और उसके पास रामनिवास बाग लेफ्ट साइड में। यह लेफ्ट साइड का रास्ता अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की तरफ से आ रहा है। यहाँ से लेफ्ट जाने पर जेएलएन मार्ग आता है और सीधा एयरपोर्ट का और टोंक रोड है। यहाँ से एयरपोर्ट तकरीबन 5 किलोमीटर है और हम जेएलएन मार्ग से और टोंक रोड से भी एयरपोर्ट जा सकते हैं। यह आगे लेफ्ट साइड में हमारे महाराजा कॉलेज है। महाराजा कॉलेज भारत के सबसे प्राचीन कॉलेज में से एक है। वर्तमान में यह विज्ञान संकाय में उच्च स्तर शिक्षा के लिए राजस्थान का सबसे अग्रणी महाविद्यालय है तथा यह राजस्थान विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय है। यह गोखले छात्रावास है जो महाराजा कॉलेज परिसर के पास ही स्थित है और इसे लगभग 70 साल पहले स्थापित किया गया था। महाराजा कॉलेज के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है और यहां से लेफ्ट साइड का रास्ता जेएलएन मार्ग को गया है और हमारे सामने लेफ्ट साइड में आगे एसएमएस हॉस्पिटल है। एसएमएस यानी सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर और राजस्थान का प्रमुख अस्पताल है। इस सरकारी अस्पताल में 43 वार्डों में 6251 बिस्तरों के साथ 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सों का स्टाफ है और प्रतिदिन 10,000 से अधिक ओपीडी है। वास्तव में यह ओपीडी और सर्जरी में रोगियों की संख्या के मामले में एम्स दिल्ली से आगे निकल गया। अस्पताल भवन का निर्माण 1934 में शुरू हुआ। अस्पताल का नाम जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया है। अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। राज्य भर से बड़ी संख्या में रोगियों और दुर्लभ रोगग्रस्त रोगियों के कारण एसएमएस अस्पताल दबाव में है, क्योंकि यह कुछ सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक है। ईएनटी और नेत्र रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चरक भवन का निर्माण किया गया था। ब्लॉक का उद्घाटन तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने वर्ष 2008 में किया था। यह नया ब्लॉक अस्पताल के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है।
यहाँ हमारे लेफ्ट साइड में SMS का गेट नंबर 1 है, पीछे 2, 3 और 4 नंबर गेट रह गए जो ज्यादा यूज होते हैं, 1 नंबर गेट कम ही यूज होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। ऐसी ही जानकारी के वीडियो आपको हमेशा आगे मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। जय हिंद, जय भारत।